नमस्कार, अपना मध्य प्रदेश देख रहा मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जहां पर इस बैठक में संबंधित मंत्री वर्चुअली माध्यम से जुड़े, जिसमें वैक्सीनेशन महाअभियान की रणनीति तैयार की गई। वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 21 जून को सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू होगा। 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर पर एक साथ अभियान शुरू किया जाएगा। वैक्सीन ही सुरक्षा है, मैं वैक्सीन लगवा रहा हूं और मैं संकल्प लेता हूं मैं बाकी को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। जो प्रेरक जाएंगे वो संकल्प दिला देंगे, तो बाकी जो वैक्सीन लगवाएंगे वो भी बाद में प्रेरक बन जाएंगे। तो दीप से दीप जले की शक्ल पे एक दूसरे को प्रेरित करेगा, दूसरा तीसरे को प्रेरित करेगा, ये संकल्प दिलाने का काम भी होगा। और 21 तारीख के बाद भी जैसा मैंने बताया निरंतर चलेगा, 1, 2, 3 को फिर व्यापक पैमाने पर अभियान चलाएंगे। आप सोचिए आपके यहां किस ढंग से आप वैक्सीनेशन का अभियान चलाएंगे, और 21 को शुरू करना ही है। आप सबसे मेरी अपील है, प्रार्थना है कि आपके प्रभाव का पूरा इस्तेमाल कीजिए, प्रेरित कीजिए, आप भी प्रेरक बनिए, बाकी को भी निकालिए, व्यवस्थाएं करवाइए आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके लोकसभा क्षेत्र में या आपके कार्य क्षेत्र में जो सामाजिक कार्य करता है, और पूरा प्रदेश खड़ा हो जाए वैक्सीनेशन के लिए। मध्य प्रदेश लीड करे, एक अलग मध्य प्रदेश मॉडल बन जाए वैक्सीनेशन का भी, उसकी हमें कोशिश करनी है। कलेक्टर्स भी यहां पे है, कमिश्नर, आईजी, एसपी सब है, तो बाकी व्यवस्थात्मक मामले, बाकी जो चीजें देखनी उस पर भी ध्यान देना है। उसलिए एक प्रेजेंटेशन यहां बना है कि कैसे हम इंतजाम करेंगे, वो प्रेजेंटेशन एसीएस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं एक बार पुनः ये अपील करता हूं, साधारण अभियान नहीं, लोगों की जिंदगी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं। इस अभियान में लोगों को प्रेरित करने के लिए आप अपने आप को समर्पित करें और लोगों का जीवन बचाएं, लोगों को सुरक्षा चक्र प्रदान करें, और हम तीसरी लहर से लोगों को बचाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाएं। आप सबका सहयोग अपेक्षित है, आइए हम सब मिलकर वैक्सीनेशन के अभियान को भी मध्य प्रदेश में अद्भुत बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 21 जून से वैक्सीनेशन का यह महाअभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनको आप सुन रहे थे भोपाल से, इस वक्त वो सीधे मीडिया से रूबरू हो रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि किस तरह से प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना है और इस महाअभियान में सभी लोग जुड़ें और वैक्सीनेट अपने आप को जरूर कराएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं, यही एक संदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है और इसकी तैयारी अब महाअभियान की शुरू भी की जा रही है। 21 जून से जो वैक्सीनेशन का एक जो महाअभियान है वो मध्य प्रदेश में शुरू होगा। दीपा श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस खबर पर सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। दीपा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हम सुन रहे थे, वैक्सीनेशन का जो महाअभियान है 21 तारीख से मध्य प्रदेश में शुरू होगा, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले किया है, किस तरह की तैयारियां इस वक्त इस महाअभियान को लेकर की जा रही हैं? और दूसरा दीपा ये कि जिन लोगों में डर है वैक्सीन को लेकर, उनका क्या इलाज है, उनको कैसे समझाया जा रहा है जो अभी भी तैयार नहीं है वैक्सीन लगवाने के लिए? जी शंकर, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो वैक्सीनेशन का महाअभियान है उसको चलाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सरकार खुद काजा जनप्रतिनिधि जो है वो खुद इस और ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां हमने देखा था कि अभी पहले ये बात कही गई थी 1 से लेकर 3 जुलाई तक जो ये अभियान है महाअभियान चलाया जाएगा, लेकिन जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अब 21 जून से ही ये जो महाअभियान है वैक्सीनेशन का इसे प्रारंभ किया जाएगा।
तो जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज सुबह से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान सभी लोगों से, सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा सकता है। मध्यप्रदेश में तकरीबन 7,000 सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पर वैक्सीनेशन का काम जो है वो किया जाएगा। इन सभी सेंटर्स पर जो भी कहा जाएगी 20 से 25 लोगों का एक समय पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। लेकिन जो लोग है यानी कि जो वैक्सीनेशन करवाने आएंगे उन्हें खुद को एक वॉलंटियर के रूप में ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि वो खुद तो वैक्सीन लगवाएंगे लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी प्रेरित करें ताकि वो खुद आकर अपना वैक्सीनेशन जो है वो करवाएं। तो इससे ज्यादा ज्यादा जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन से जुड़ पाएंगे और ये जो वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है उसे कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनाने में अपना सहयोग दे पाएंगे। इसके लिए सभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी से तो सीएम ने गुजारिश की है। इसके अलावा जो भी कहा जाए धर्मगुरु हैं उन सभी से भी सीएम ने चर्चा की है। क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम्स है उन सभी से भी चर्चा की है। भले ही हम बात करें कलेक्टर्स की या जो भी आला अधिकारी, सभी से चर्चा करके ये सारी रूपरेखा जो है वो सीएम के द्वारा तैयार की जा रही है कि किस तरह से ये जो महाअभियान है इसे सक्सेसफुल किया जा सके। लेकिन ये प्रयास सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं लेकिन इसको कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की बात करी जाए तो विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का लगातार यही कहना है, कांग्रेस यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि वैक्सीन वैसे ही इन्हें मध्य प्रदेश में आज भी वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं ठप होता हुआ नजर आया क्योंकि मध्य प्रदेश में वैक्सीन की काफी ज्यादा कमी थी। तो ऐसे में महाअभियान चलाने की बात तो कर रहे हैं लेकिन वैक्सीन कहीं ना कहीं नहीं है तो पहले इसे पूरा किया जाए, यानी वैक्सीन जो है वो प्रदेश फैलाई जाए, ये बात भी कांग्रेस के द्वारा कही जा रही है। जी इसी पर मैं आता हूं दीपा, कुछ लोग ये शिकायत भी लगातार करते रहे कि अपना वो स्लॉट अगर बुक करना चाह रहे हैं तो बुक नहीं हो पा रहा है, वेटिंग बता रहा है बहुत ज्यादा, और इसीलिए जो विपक्ष सवाल उठा रहा है जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है प्रदेश में, इसीलिए शायद ये सिचुएशन हो रही है क्योंकि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि महाअभियान चलेगा, दूसरी तरफ अगर जिन लोगों को वैक्सीन लगाने की जो लोग स्लॉट अपना बुक करा रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनकी बारी तक नहीं आ पा रही है, तो ऐसे में ये दो चीज़ें एक साथ कैसे हो पाएंगी? क्या वाकई में वैक्सीन की शॉर्टेज है या कोई टेक्निकली खामियां हैं जिस वजह से जो लोग वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं वो नहीं लगवा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट उनको करना पड़ रहा है, वेटिंग लिस्ट में उनका नाम है, समस्या कहाँ पर है? जी समस्याएं काफी सारी हैं। जिस तरह से हम देख पाते हैं कि जो लोग अपना बुक करने का प्रयास करते हैं अभी भी बुकिंग में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। कई बार ये बात कही जाती है कि जो ऑनलाइन होगा, कई बार कहते हैं ऑफलाइन होगा, इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बनती भी नजर आती है। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से वैक्सीन की कमी प्रदेश में लगातार बनी हुई है जिसके कारण हमने देखा था कि पहले ही हफ्ते में 4 दिन जो है वैक्सीनेशन प्रदेश में किया जाता है। इसमें भी वैक्सीन की कमी के कारण इस हफ्ते जो है कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का जो रेशियो वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आया था। हालांकि पूरे देश भर में इस तरह की स्थितियां बनी हुई है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अगर परसों की मैं बात करूं तो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में किया गया था। तो दोनों ही तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है लेकिन कहीं ना कहीं जो हाबड़ ताबड़ में स्थितियां बनती है यानी कि जल्दबाजी में जो प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है कि व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सके तो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं सुनिश्चित नहीं हो पाती। इसके कारण कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था है वो पैदा होती है और जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनका रुझान तो दिखता है लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण वो रुझान भी कहा जाए कि उसके अनुसार वैक्सीन ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन का रेशियो है यानी कि जो आंकड़े जो आने चाहिए उसके मुकाबले काफी ज्यादा कम आंकड़े हमारे सामने आते हैं। ठीक है दीपा, आप आगे बनाए रहेंगे हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से 12वीं का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को मूल्यांकन नीति तय करने के लिए 14 दिनों का समय दिया था। सरकार की ओर से एजी ने 12वीं की रिजल्ट का फॉर्मूला बताया जिसमें कहा गया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा और नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं के 5 विषयों में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स को लिया जाएगा और इसी तरह 11वीं के 5 विषय का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर भी लिया जाएगा। 12वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं की प्री बोर्ड के नंबर 40% के आधार पर नतीजे आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई ने यह कहा है कि परिणाम समिति ने परीक्षा की विश्वसनीयता के आधार पर वेटेज पर यह फैसला लिया है। इसके अलावा आपको बताएं कि स्कूलों की नीति प्री बोर्ड में ज्यादा अंक देने की है, ऐसे में सीबीएसई के हजारों स्कूलों में से एक के लिए परिणाम समिति गठित होगी जिसमें स्कूल के 2 वरिष्ठतम शिक्षक और पड़ोसी स्कूल के शिक्षक मॉडरेशन कमेटी के रूप में काम करेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल ने अंकों को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बताया है,
ये कमेटी छात्रों के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन को भी आंकेगी। तो इस तरह से 12वीं का मूल्यांकन का जो फॉर्मूला है वो दरअसल अब तय किया गया है, और बता दें 31 जुलाई को नतीजे भी इसके लिए घोषित किए जाएंगे। और लगातार हमारी संवाददाता दीपा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है भोपाल से। दीपा, जो फॉर्मूला तय किया गया है, इस फॉर्मूले को लेकर कई जो पेरेंट्स हैं वो नाराजगी जता रहे हैं, कई छात्रों के मन में जो सवाल हैं वो अभी भी जस के तस बने हुए हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश में क्या राय है, क्योंकि CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से 12वीं का जो रिजल्ट तैयार करने का जो फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूले को लेकर क्या सहमति है पूरी तरह से स्टूडेंट और उनके अभिभावक और जो शिक्षक हैं उन सभी के बीच में? जी, काफी कहा जाए कि जो संतोष, काफी ज्यादा दिक्कत की स्थिति जो है वो बनी हुई थी शंकर की। लगातार जो लोग हैं, यानी कि जो बच्चे हैं जो 12th के एग्जाम जिन्होंने दिए थे, कि जो उनको कहीं ना कहीं एग्जाम देने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, वो सोच रहे थे कि जल्द से जल्द जो रिजल्ट है वो आए ताकि आगे की जो चीजें परस्यू करनी है, यानी कि भले कॉलेज की हम बात करें या फिर जो 10th के बाद के जो बच्चे हैं, यानी कि जो 11th क्लास में जाना है, उनको लेकर जल्द से जल्द प्रयास किया जा सके। जिसको लेकर हमने खुद ने भी जो स्कूल शिक्षा मंत्री जो है उनसे बात करने का प्रयास किया था, उनका भी यही कहना था कि लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो अलग अलग राज्य के जो लोग हैं उनसे चर्चा की जाए ताकि जल्द से जल्द जो रिजल्ट का पैटर्न है वो तैयार किया जा सके, कि किस पैटर्न पर रिजल्ट बनाया जाएगा। तब ऐसे में जब खुद रिजल्ट का पैटर्न अब आ चुका तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा आसानी होगी कि किस तरह से जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट आ सके और आगे आने वाले समय में उनको किस तरह से जो अपना आगे का परस्यू करना है चीजों को वो चीजें परस्यू कर सके। यानी कि अब जब 31 जुलाई तक जो रिजल्ट है वो आ जाएगा तो निश्चित तौर पर जो आसानी है बच्चों को काफी ज्यादा होगी। लेकिन इसी के साथ जिस तरह से हम देख पाते हैं कि भले 11th की बात करें या 10th की बात करें, कई बार क्या स्थिति बनती है कि बच्चे उतनी सीरियसनेस नहीं दिखा पाते जितने 12th में दिखाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके अंदर हताशा देखने को मिल रही है कि जितनी ज्यादा उन्होंने पढ़ाई की, इतना प्रयास किया था कि जल्द से जल्द जो एग्जाम हो और अच्छा स्कोर वो कर पाए, लेकिन ऐसे में अब जब 10th, 11th और 12th के जो एग्जाम के जो मार्क्स आए थे, यानी कि जो बात की जाए, भले ही हम बात करें जो प्री बोर्ड के एग्जाम है उनके नंबरों की बात करें, प्रोजेक्ट्स के नंबर की बात करें या 11th के जो नंबर आए थे उनकी बात करें, इन सभी चीजों के नंबर के विषय में जो अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, तो मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स का काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। उनका यही कहना है कि एक अच्छी बात है कि अगर जल्द से जल्द रिजल्ट हमारा आता है तो ऐसे रिजल्ट आने के बाद जल्द से जल्द हमें कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा और आगे की जो पढ़ाई है हम उसे परस्यू कर पाएंगे, क्योंकि काफी समय से चिंता का विषय जो स्टूडेंट्स है उनमें भी और अभिभावकों में भी बना हुआ था। लगातार उनका यही कहना था, अभिभावक भी परेशान थे कि किस तरह से रिजल्ट आएगा ताकि आगे कि जो चीजों में परस्यू करने में आसानी हो सके। तो निश्चित तौर पर अब जब एक पैटर्न आ चुका है तो काफी ज्यादा आसानी होगी रिजल्ट बनाने में और बच्चों को आगे क्या निर्णय लेना है, अपने जीवन को किस और लेके जाना है उसमें भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपा। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ना कराने का निर्णय सरकार ने लिया था और बच्चों को मूल्यांकन के आधार पर नंबर देकर पास किया जाएगा। पर सवाल यहां यह है कि बच्चों ने या उनके अभिभावकों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा फीस जमा कर दी थी और मध्य प्रदेश से करीब 180 करोड़ की जो राशि है वो जमा हुई है। ऐसे में कई छात्रों ने लेट फीस भी जमा की है। अब अभिभावक सरकार से जमा किया हुआ पैसा वापस मांग रहे हैं। अब विद्यार्थियों के द्वारा जमा की गई फीस क्या वापस होगी? इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि फीस वापस होने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि हमारा विभाग परीक्षाओं की पूरी तैयारी कर चुका था और लेट फीस ही जिन लोगों ने दी है उनकी गलती है, उन्होंने समय पर फॉर्म नहीं भरा, तो इस तरह से जो पैसा है वो वापस नहीं होगा, जो फीस ली गई थी जो लेट फीस है वो भी वापस अब नहीं होगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।